अपनी ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण 5 अगस्त 2019 को एक ऐसा फैसला हुआ जिसके कारण 7 दशकों की पीड़ा, अन्याय, अलगाववाद, आतंकवाद और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर को मुक्त कर इसे सामाजिक आर्थिक विकास के नए रोल मॉडल के रूप में विकसित करने का प्रयास हुआ है। अप्रैल 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी जब पल्ली आए थे तो 21,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किए थे। आज जब हमारे मध्य हैं तो 32,247 करोड़ रुपए के विकास की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी अभी करने वाले हैं। मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में शायद विकास के इतने बड़े कार्यक्रम कभी नहीं हुए थे और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि आने वाले 4 महीनों में 20,000 करोड़ की परियोजनाएं और पूरी हो जाएंगी। वैसे तो 2025 तक 60,000 करोड़ की परियोजनाएं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही हैं वो पूरी हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में चारों ओर व्यापक बदलाव, कोने कोने में विकास की हलचल माननीय प्रधानमंत्री जी के वैभवशाली जम्मू कश्मीर के निर्माण की प्रतिबद्धता का ही प्रत्यक्ष प्रमाण मैं मानता हूं। पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में सामाजिक न्याय, समता और समावेशी विकास निश्चित रूप से सुनिश्चित किया है। पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हों, वेस्ट पाकिस्तान के शरणार्थी हों, इनको भी दशकों बाद सामाजिक न्याय मिला है और अब उनके जमीन और जायदाद का मालिकाने हक को भी हम आने वाले दिनों में सुनिश्चित करने वाले हैं। दलित हों, आदिवासी भाई हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों तथा हमारी बहनें, महिलाएं हों, समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक रूप से सशक्त बनाया है। अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा वंचितों को पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अधिकार संपन्न बनाया गया है। इतिहास में पहली बार पंचायतों तथा अर्बन लोकल बॉडीज में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं ये एक संवैधानिक बाध्यता थी, इसके कारण पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके या अर्बन लोकल बॉडी के। अब इस आरक्षण के बाद उस चुनाव को भी समय से कराया जाए, इसकी व्यवस्था जरूर की जाएगी। हमारी बहनों के लिए, नारी शक्ति के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। लंबे समय से पहाड़ी भाइयों की एक मांग थी उन्हें आरक्षण की सुविधा दी जाए। मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि पहले से जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी भाई थे उनके आरक्षण को बिना छेड़े हुए पहाड़ी भाइयों को भी आरक्षण दे करके उन्हें सशक्त बनाने का काम किया है। पिछले 4-5 वर्षों में जो भी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई हैं, चाहे गुजर हो, बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, सीना हो, इनको जो सुविधाएं देश के अन्य हिस्सों में मिलती थी पिछले 4-5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण भी उनके सामाजिक विकास को भी नई गति देने में हमें सफलता मिली है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में 42 लाख से ज्यादा नागरिकों ने भागीदारी किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी वाली गाड़ी हर एक परिवार तक सभी योजनाओं का लाभ लेकर के पहुंची है। इस जन आंदोलन में जम्मू कश्मीर देश में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। साथ ही चाहे आजादी का अमृत महोत्सव हो, हर घर तिरंगा हो या मेरा माटी मेरा देश हो, जन अभियानों में भी जम्मू कश्मीर ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और कर्तव्य पथ पर जम्मू कश्मीर को मेरी माटी मेरा देश के लिए देश का प्रथम पुरस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
औद्योगिक विकास की गति भी जम्मू कश्मीर में तेज हो गई है। 90,000 करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव आज जम्मू कश्मीर में निवेश के मिले हैं। 14,000 करोड़ के काम जमीन पर हो रहे हैं। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं और जो भी प्रस्ताव आए हैं इन्हें हकीकत में बदलने का काम हम जरूर शुरू करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के नौजवानों की आकांक्षाएं भी राष्ट्र की आकांक्षाओं से जुड़ गई हैं। पिछले 4 वर्षों में 34,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं और आज मैं कहना चाहता हूं कि पूरी तरह पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर। अब वो जमाना चला गया जब किसी की सिफारिश से और किसी की पर्ची से नौकरी मिला करती थी। आज मैं कहना चाहता हूं 12,000 पदों की नियुक्तियां जारी हैं और आज ही 4,022 पुलिस भर्ती की जरूरतों को भी अखबार में हमने विज्ञापन दिया है। 8 लाख से ज्यादा नौजवानों को स्वरोजगार योजना के स्टार्टअप योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में जम्मू कश्मीर प्रशासन को सहायता मिली है। 87,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई 8 लाख बहनें हमारी आज जम्मू कश्मीर के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। वहीं प्रोजेक्ट को पूरा करने की रफ्तार भी हमारी 10 गुनी बढ़ गई है। जहां 18-19 में 9,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे वहां पिछले वित्तीय वर्ष में 92,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट हमने पूरे किए हैं और इस वर्ष 1 लाख से ज्यादा परियोजनाएं हम पूरा करेंगे। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि 2019 में जहां 40 ई सर्विसेज थी आज 1100 से ज्यादा ई सर्विसेज देकर के जम्मू कश्मीर देश का सबसे अधिक ई सर्विस देने वाला यूटी या राज्य बन गया। जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों की आमदनी बढ़े इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जिसमें 5,013 करोड़ रुपए बजट के अलावा 5 वर्षों में खर्च करने की अनुमति प्रधानमंत्री जी ने दी उसके कारण 13 लाख परिवारों का जीवन बदलने वाला है। संपूर्ण पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक नागरिक को अपनी मर्जी से जीने का हक प्रदान किया है। आतंक की घटनाओं में भी 75% से ज्यादा कमी आई है। जो भी तंजीमें थी उनके टॉप कमांडर उचित जगह पहुंचा दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट भी लगभग समाप्त हो गया है। हड़ताल का कैलेंडर जो हमारा पड़ोसी जारी करता था अब वो कैलेंडर जारी नहीं होता। अब जम्मू कश्मीर प्रशासन शिक्षा का रोजगार का कैलेंडर जारी करता है। स्टोन पेल्टिंग अब इतिहास की घटना हो गई। बाजार और स्कूल और यूनिवर्सिटी पूरे वर्ष खुले रहते हैं। कश्मीर घाटी में आम आदमी नाइट लाइफ का आनंद उठा रहा है। जिन जिलों में पहले शाम होते ही भय पसरा रहता था वहां देर रात तक सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जम्मू एवं श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के नए मॉडल के रूप में विकसित करने में हमें सफलता मिली है। जहाँ झेलम रिवर फ्रंट पर देर रात को भी नौजवान गिटार बजाते हुए दिखता है आने वाले कुछ महीनों में तवी रिवर फ्रंट पर भी वही दृश्य दिखाई पड़ेगा। इसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं सदियों पूर्व से भारत का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर ज्ञान का केंद्र रहा है। यही शारदा क्षेत्र रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राचीन गौरव को जम्मू कश्मीर के पुनः वापस दिलाया है। 2-2 एम्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIT, निफ्ट, IIMC जैसे अनेक प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस तथा इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी स्किलिंग के सेंटर्स इनोवेशन और इन्वेंशन के बना करके जम्मू कश्मीर को आज एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का शहर अब देश का ऐसा शहर बन गया है, अकेला शहर बन गया है जहां IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है और केंद्रीय विश्वविद्यालय है। देश में कोई दूसरा शहर नहीं है। वहीं स्वास्थ्य पैरामीटर्स पर भी जम्मू कश्मीर काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और हर नागरिक को माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी मिला हुआ है। आध्यात्मिक नगरी जम्मू को अब देश के प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में जाना जाता है। दशकों बाद जम्मू संभाग के क्षमता का अवदोहन शुरू हुआ है। सभी 10 जिलों में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। आने वाले दिनों में कठुआ, जम्मू, सांबा, रियासी, उधमपुर देश के अन्य औद्योगिक शहरों के समकक्ष
खड़े होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी आपने कैसे जम्मू कश्मीर का निर्माण किया है, जो बहुत अल्प समय में नया सामर्थ्य अर्जित करके विकसित भारत में अपना पूर्ण योगदान देने को तत्पर है। व्यापार हो, विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, इंडस्ट्री हो, कला हो, संस्कृति हो तथा खेल का क्षेत्र हो, नित नई उपलब्धियां आज जम्मू कश्मीर हासिल कर रहा है तथा जम्मू कश्मीर शांति समृद्धि के शिखर की ओर बढ़ रहा है। यह आपके सपनों का जम्मू कश्मीर है, यह आपके संकल्पों का जम्मू कश्मीर है। मैं इस नए जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सभी नागरिकों की तरफ से आपके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।